कॉमन करेंसी ट्रेडिंग अरेंजमेंट एंड दी दैनिक जागरण से जो आपका ब्रिक्स एफटीए को लेकर जो प्रश्न था. सी वी दी सब्सटैंटिव पार्ट ऑफ ट्रेड एंड इकोनॉमिक एक्सचेंजेस एंड डिस्कशंस दैट हैव बीन अ पार्ट ऑफ ब्रिक्स डिस्कशन हैव सो फार इन अ मेजर वे फोकस्ड ऑन how to increase trade in respective national currencies, which writing for the mint you would know is considerably different from a common currency concept. Again, you would know that the common currency discussions have several prerequisites before you can even talk about a common currency framework. The discussion framework in BRICS, the substance of that discussion framework in BRICS, have focused principally on currency within the national trade within the national currency, and not the other element which you mentioned. देखिए जहाँ तक BRICS FTA का प्रश्न है, और ये प्रश्न केवल BRICS FTA तक ही सीमित नहीं है, ये प्रश्न किसी भी देश के साथ जब एफटीए पे वार्ता होती है उस पर भी लागू होता है कि एफटीए की जो डिस्कशंस हैं वो एक प्रकार से राजनीतिक हैं मगर एक प्रकार से काफी तकनीकी भी हैं. एफटीए का स्वरूप क्या हो, एफटीए के विभिन्न चैप्टर्स क्या हों, एफटीए में कितनी टैरिफ लाइन कंसेशन के लिए आए, खाली गुड्स पे हो, सर्विसेज पे हो या इन्वेस्टमेंट्स पे भी जाए. अच्छा, खाली ग्रुप ट्रेड्स गुड्स सर्विसेज या इन्वेस्टमेंट की बात नहीं, बाकी आर्थिक सहयोग के एलिमेंट्स भी उसका भाग हों या ना हों. तो जो फोकस ब्रिक्स के अंदर रहा है वो अधिकांशतः इस बात पर केंद्रित है कि ब्रिक्स के कंट्रीज के बीच में जो आपसी सहयोग है, परस्पर सहयोग है, उसका विकास कैसे हो, उसकी गहनता कैसे बढ़े, उसको किस प्रकार से जो है नए से नए क्षेत्रों में लेके जाया जा सके. अब उसका स्ट्रक्चरल स्वरूप में एफटीए हो, ट्रेड इन नेशनल करेंसीज हो और कोई फ्रेमवर्क हो, वो चीजें ऐसी हैं जो कि जो एक्सपर्ट्स लोग हैं वो आपस में डिस्कस करके उस पर निर्णय करेंगे. तो ब्रिक्स में जहां तक इंट्रा ब्रिक्स सहयोग की बात है वो आर्थिक सहयोग पर केंद्रित है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बट उसका स्वरूप क्या हो वो जो है दूसरी बात है.